दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े ही मजेदार सवाल। प्रत्येक सवाल के लिए मिलेगा सोचने के लिए 5 सेकंड। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर और अभी कर लीजिए अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं कि अच्छा जानकारी आप तक डायरेक्ट मिलती रहे। सवाल नंबर एक, सुबह जल्दी लेटिंग जाने से कौन बीमारी नहीं होती है और कौन बीमारी नहीं पकड़ता है? नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है लकवा की बीमारी नहीं होती है सुबह लेटिंग जाने से और पेट में गैस नहीं बनता है। जो लोग जल्दी नहीं जाते हैं उन्हीं लोगों को लकवा की बीमारी तुरंत हो जाती है। तो इस बात पर आप लोग ख्याल करें, सुबह सबसे पहले लेटिंग जाना चाहिए। कितने लोगों को हो गई लकवा की बीमारी? सवाल नंबर दो, लकवा क्यों मार देता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। अच्छा जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी हमेशा आप लोगों के पास तक। दोस्तों आपकी दोस्तों इसका सही आंसर सुबह जल्दी लेटिंग नहीं जाने के कारण लकवा मार देता है। इसीलिए दोस्तों सुबह उठना है तो सबसे पहले लेटिंग जाना है, बाथरूम जाना है, उसके बाद में कोई भी काम हो दुनिया का, पूजा पाठ या कोई भी काम करना है तो पहले सबसे पहले लेटिंग बाथरूम से आना है, तब कोई काम में लगना है। बहुत लोग क्या करते हैं, माल जाल करने लगते हैं, देर हो जाता है, उसी समय लकवा मार देता है। सवाल नंबर तीन, किसी काम में अगर है आप लेटिंग लग गई तो तुरंत क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है सब काम छोड़कर पहले लेटिंग जाना चाहिए तुरंत, नहीं तो उसी समय लकवा की बीमारी होती है। पसीना ज़्यादा आने लगता है लेटिंग रुक करके रखने से और पेट में गैस बन जाता है, उसी समय लकवा फालिश हो जाती है। तो जिनको एक बार हो गई तो समझिए कि वो काम से आदमी चल जाता है। सवाल नंबर चार, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। अच्छा जानकारी मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है थोड़ा सा पानी जरूर पी लेना चाहिए। पानी पी लेने से क्या है कि आपको नली जो सूखी होगी वो ठीक हो जाएगी और पेट में गैस बिल्कुल नहीं बनेगा। सवाल नंबर पाँच, मोतियाबिंद की बीमारी क्यों होती है हम लोगों को आँखों में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई मेरे दोस्त। दोस्तों इसका सही आंसर है शरीफा नहीं खाने के कारण मोतियाबिंद की बीमारी आँखों में पकड़ लेता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मोतियाबिंद की बीमारी से बचना है तो शरीफा ज़रूर खाएं। दोस्तों जब भी सीजन आए तो शरीफा खाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, बने रहें मस्त।